हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चारू बेटी ब्लॉग पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कल पहला अर्घ था, आज दूसरा अर्घ है। और पहला अर्घ वाला ब्लॉग मेरा अपलोड है सोना चारू ब्लॉग पे, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे गाँव में नदी नाले हैं और उस पर छठ मैया का त्यौहार किया जाता है। तो उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा। और आज दूसरा तरफ हम जाएंगे, क्योंकि कल गए थे जिस तरफ ना, वो वाला घाट का हम ब्लॉग अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। तो आज डैम तरफ उला में जाएंगे, तब लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा और पूरे देखिएगा। आज लास्ट अर्घ का दिन है, छठ मैया का कृपा भी दिखाइएगा, उसका मान भी रखिएगा। मेरा ब्लॉग को जरूर देखिएगा। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी समय बज रहा है 4:20 और हम जल्दी उठ के तैयार हो गए और चलते हैं। ऐसे चारों लोग नहीं है, चारों मम्मी लोग नहीं है, तो लोग भी साथ में ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। काफ़ी अंधार है चारों तरफ, ही पूरा पूरा अंधार ही अभी है, तो घंट सब सुना रहा है थोड़ा थोड़ा, उधर ही जाएंगे। घर से जैसे ही रोड पे निकले तो एक घर जगह के सामने की बहन है, कोई भी प्रण ले सकता है कि हम दौरी बोएंगे तो बो सकते हैं। और केला का एक ये जो पूरा गुच्छे हैं उसको बोए हुए हैं। तो इस तरह से करने से पुण्य फल सब कुछ मिलता है जो मन में होती है मांगने से। तो इस तरह से अंधकार में था, अब पहुँच जा रहे हैं हम लोग छठ घाट। थोड़ी दूर में है, नीचे फंस रहे हैं, अंधार है पूरा। अभी 5:20 हो गया, प्रसाद ही ले लिए हैं और आगे गैस जा रहा है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए छठ घाट पर और थोड़ी देर में सभी पार्वती आ जाएंगे। उधर का गांव तरफ काटते हैं, अंधकार है चारों तरफ, कुछ नहीं दिख रहा है अभी। अभी लिपाई हो रहा है, लोग खड़े हैं। बिना लिपाई किए क्या वो दौरी को नहीं मराया जाता है ना? पता नहीं है केला सब कुछ चीज को भी जितना सामान है उतना मरवा या बाप रे बाप ना रात काफी भीड़ है। अरे रख 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 कने के रखी यही जगह रखा साइड में देखिए गैस वाले थे तारी जहाँ पे रखा गया है घाट जिस दिन बांध के गए थे वहीं पे जो दौरी है उसको पूरब दिशा की ओर करके रखना होगा, क्योंकि आज उगता अर्घ लेना है ना, इसीलिए। तभी अंधकार है, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिधर पूरब है उधर तो हम लोग का पता है। तो उधर ही घुमा के जो 5 दीपक जल रहे हैं घी वाले उसको उधर ही मुँह कर देना है और रहने देना है। अब इंतजार करना है सूर्य देव की। तो अभी काफी ज्यादा समय है सूर्य निकलने के लिए, उतना देरी तक में दीपक को अच्छे से जलाना होगा, इसलिए वहाँ पे घी सब डाल दे रहे हैं। पूरा फुल मिट्टी का दिया है, उसमें कर देंगे घी डाल के, और जितने सारे सामान है उसको एक तरफ सजार के रख देंगे ताकि बच्चे लोग से लात ना पड़े। कोई भी सामान में लात पड़ जाता है तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है इस त्यौहार में, इसीलिए इस तरह से। और सुबह अब हो चुकी है तो छठ मैया लोग यहाँ पर पूरब की ओर मुँह करके खड़े हैं, साथ थे पार्वती। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाँव देहात में, आप लोग देख सकते हैं। इतना ज़्यादा भीड़ होना बहुत ही खुश नसीबी की बात होती है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग भीड़ हुए हैं, कम से कम 1000 लोग टोटल होंगे। तो अभी सूर्यदेव नहीं निकले हैं, कम से कम अभी 5:30 लगभग हो गया है। और पंडित जी आए, उसके बाद में बोले कि आप लोग का अर्घ लेने का टाइम हो चुका है, तो इसीलिए सभी लोग अपना जो बो के लाए थे सूप, थाल दौरी सजाया हुआ था उसमें सूप होता है जिसपे पान पत्ता वगैरह करके अर्घ दिया जाता है ना, तो उसको ले के सारे कोई ऊपर साइड वाला रास्ता से जा रहे थे, क्योंकि इधर में बहुत ज़्यादा पिछल था, गिरने की बहुत ज़्यादा डर थी। तो सभी लोग इधर से जा रहे हैं ले के और हम लोग शूट कर रहे थे बहुत ही शिद्दत से आप लोग को दिखाने के लिए। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसा लगता है। सिर्फ जो गाँव में पारंपरिक तरीक़ा से छठ त्यौहार का ये पर्व हो रहा है उसको ही हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। और ये मटू भैया बहुत ही मोटे हैं, थोड़े आराम से जा रहे हैं, क्योंकि गिर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, उनको भी लाज लगेगा और सारे फल प्रसाद छठ मैया का गिर जाएगा जो सूप में है वो सारे। तो पंडित जी थोड़ी देर में इजाज़त दे देंगे, हम इस जगह है तो हमको पता है, इसलिए आप सभी को वही सारी बात अच्छे से बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों का पाय भी हो रहा है, ठंडी का मौसम है ना, और अब सूर्यदेव निकल ही गए हैं, बस पंडित जी का इजाज़त की ज़रूरत है। तो ये देखिए अर्घ दिला भी गया, तो कोई लेफ्ट साइड से घूम रहा है, कोई राइट साइड से, तो दोनों तरफ से घूम रहे हैं। पंडित जी वो है ना जो स्वेटर वाला दिख रहे हैं वो हैं, तो उनको यहाँ ढूंक के बताने ही नहीं बन रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़, पूरा एकदम सामने सामने लोग हैं, तो कुछ बताने ही नहीं बन रहा है। और बोल रहे हैं वो तो सुनाई बिल्कुल ही नहीं दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा घंट
ढाक और लोगों का जो आवाजें हैं वो सुनाई दे रही है, इसलिए काफ़ी मुश्किल है। इसलिए पंडित जी जैसे बोल रहे हैं वैसे काफ़ी लोग तो पुराने होते हैं, किए हुए होते हैं, उन लोग को सभी कुछ पता होता है तो अपने हिसाब से कर लेते हैं। दीपक को जलने देना है और फर्स्ट टाइम पानी से देते हैं, सॉरी पता नहीं हम भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी टाइप से होता है। उसके बाद दूध से, तो फर्स्ट टाइम वाला औरत को झोंका नहीं जाता है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो सूर्यदेव उधर से उगते हैं सूर्य मैया उसके लिए होता है, और जल में गिरने देना होता है। तो दूसरा टाइम जब लिया जाएगा उसको हम लोग ले सकते हैं और माथे में लेते हैं और अपने आप को पूरा, मतलब जो भी हम लोग अर्घ लेने का जो भी होता है अपना मनोकामना वो भी पूर्ण होता है। भक्त लोग को भी जो तो कर रहे हैं उन लोग का तो मैया घर दरवाज़ा पूरा घर धन दौलत से भर ही देते हैं, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो लोग भी इस जगह किए हैं सबका घर में फले फूले हैं, बाल बच्चे लोग और सभी कुछ जो भी मांगते हैं, महापर्व करने से इस तरह से होता ही है। तो सभी फल को भी वहाँ पे थोड़े थोड़े दिखाना होता है। तो ये लड़का जो केला का जो कांधी है ना उसको लेके जा रहा है, इसको भी वहाँ पे लेके दिखाएगा। देखिए इधर लाली दिख रहा है, बादल किया था ना आज, इसलिए सूर्य मैया की लाली सिर्फ दिख रही है और उधर में थोड़ा सा दिख रहा है। एक हमको लाके दूध का दिए, जो अर्घ होता है ना उसको दूध दिए, हम भी लगा लिए और मेरा भाई साथ में गया था उसको भी लगा दिए। इतना ज़्यादा भीड़ है कि क्या बोले, लेडीज़ का भीड़ में ढूंक के ले भी नहीं सकते, काफ़ी मुश्किल होती है गाँव में, सबका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो डटाई भी मिलेगा थोड़ी बहुत। ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन अपने आप में सोचना पड़ता है। अब अर्घ दिया गया अच्छे से, अब यहाँ पे सारे सामान को लाएंगे और पार्वती लोग भी आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे। उतने ही में एक बाबा जी आ रहे थे, मुझे नज़र पड़ा तो उनका यहाँ पे उतरने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा उत्तरायण है और ढलाई है कि बाबा जी नहीं सकेंगे। एक तो एक हाथ से लकड़ी पकड़े इसलिए हम अपने कांधे में कर लिए हाथ उनका और पकड़ के उनको उतार दे रहे हैं। सोचे कि साथ में वीडियो बना लेते हैं, ये अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के साथ में। अगर कोई भी बूढ़े बुजुर्ग या मम्मी हो या लेडीज हो या जेंट्स हो कोई भी हो इस टाइप से होते हैं तो हेल्प करना। झारखंड में है या भारत में, लेकिन देखिए चाइना जमाना ये भी समा रहा है क्या बाबू, इस तरह सेफ्टी बेल्ट लगा लिए इसके पापा, इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा सुरक्षित से है, मस्त का जी। ए स्माइल प्यारी दे रही है कि रहा है बाबू है, अरे चलो गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, हाथ मिला लो बाबू थोड़ा सा, हाय। पूजा पूरी समाप्त हो चुकी है, आरती सब हम लोग ले लिए हैं पूरे छठ घाट में, बाबू भी आया हुआ है देखने, और अब प्रसादी वितरण होगा, खा के जाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। ये काफी ज्यादा भीड़ है, अब पूरी समाप्त हो गया, अब इतना भीड़ इस जगह लगेंगे फिर अगले वर्ष हम लोग। काफी ज्यादा भीड़ है प्रसादी झोंकने के लिए, इसी तरह से झोंकना पड़ेगा, झोंकते हैं पीछे साइड से हम लोग को मिलेगा कम, गिराएगा बाबू। देख रहे इतना भीड़ है कि बहुत भीड़, काफी ज्यादा भीड़ है दोस्तों। दिक्कत के बाद में प्रसादी झोंक ली हम लोग, अब चलते हैं घर। हो गया जी, खा रहा है और खा भी रहे हैं, आप लोग भी लीजिए, खा लीजिए दोस्तों। कल अर्घ उर्घ लिए, उसके बाद में हम कोई ब्लॉग शूट नहीं किए, ऐसे ही रह गए। शाम को चारुक मम्मी आई, उसका ब्लॉग एडिटिंग किया डाल दिए और सभी लोग आ चुके हैं। देखिए चारुक मम्मी भी आ गई, कपड़ा सब धो रही है और चारू तो पूरा उधर खेल रही है। तो ज़्यादा आज हम नहीं, बस इतने ही रखेंगे इस ब्लॉग को, क्योंकि आज स्टेज शो है, प्रोग्राम है, तो उधर ही ब्लॉग शूट करना है, आप सबके साथ में शेयर करना है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, यहाँ घुस गया है मेरा इसीलिए, तो बाय बाय।